हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी चावल। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे और दही ले लेंगे। हम दही वाली कढ़ी ही बनाएंगे, आप चाहे तो टमाटर वाली भी बना सकते हैं। दही को हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम पकौड़े के लिए बिना जो है पानी में ही हम उसको एक बैटर बना देंगे अच्छा सा, और इसके हम पकौड़े बना लेंगे। इसको पहले मिक्स करके आप भी जब भी कढ़ी बनाना रहे तो सबसे पहले आप बेसन को फेंट के रख ले ताकि अच्छे से ये स्पंज हो जाए, फूल जाए। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये हमारे पकौड़े के लिए है। अब इसे हम मिक्स करके रख देंगे एक घंटे तक। उसके बाद हम सारा काम जो है कर लेंगे। हम सारा काम कर लिए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। नमक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पकौड़े का बैटर है। कढ़ी में जो पकौड़े होते हैं वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब चलते हैं। इधर हम गैस पे कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और हम चलते हैं पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। आप इसे छोटा बड़ा शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दूसरे साइड से हम इसे पलट देंगे। ये हम सुबह के लंच में बना रहे हैं। बच्चों को तो बहुत मन से ये सब अच्छा लगता है, बड़े भी खा लेते हैं मन से साथ में। इसी तरह से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे पकौड़े के। इसमें हमने कोई प्रिपरेशन पहले से नहीं किया हुआ था, तुरंत के तुरंत ही झटपट बनाए हैं। अब हम चलते हैं कढ़ी के लिए बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले हम दही ले लेते हैं। ये दही का ऊपर का जो मट्ठा है इसको भी हम ले लेंगे। दही हम ज़्यादा लेंगे और बेसन इसमें हम ऐड कर लेते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना ही करें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इसमें गुठली हो वो सब सही हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड कर देना है एक साथ। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में जो तेल है उसे थोड़ा सा कम कर लेंगे हम, क्योंकि ये पकौड़ी वाले तेल हैं ज़्यादा हैं, तो इनको हम अच्छे से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम हींग, जीरा और मेथी का तड़का डाल देंगे। काफ़ी टेस्टी लगता है मेथी का तड़का देके आप बनाएं। और इसमें हम पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे क्रश करके। लहसुन को भी हम फ्राई होने देंगे। आप अदरक भी डाल दें साथ में। अब इसमें हम डाल देते हैं सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दें अगर ज़रूरत लगे तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कढ़ी में। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम कढ़ी का बैटर डाल देंगे। पानी इसमें हम और भर देंगे, इसका डबल कर देंगे, क्योंकि अभी ये बॉयल होगा, बॉयल होने पे और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें हम उबाल ऐसे ही हम डायरेक्टली इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि जो है दही फटने के चांसेस रहते हैं कभी कभार। कढ़ी में आप उबाल ज़्यादा दे दें
कढ़ी में उबाल ज़्यादा देने से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। ये देख सकते हैं धीमी आंच पे आप 5 मिनट इसको उबलने दें। अब इसमें हम पकौड़ों को डाल देंगे, उसके बाद भी हम इसे 1-2 मिनट उबाल देते हैं। उसके बाद चलते हैं हम तड़का लगाने। ऊपर से सबसे पहले हम तेल डाल देते हैं, उसके बाद हींग जीरा और सूखा लाल मिर्च डाल देते हैं। इन सबको चटकने के बाद इसमें हम करी का पत्ता डाल देते हैं, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारा छौंक लग गया है। अब चलते हैं हम अपनी थाली लगा देते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वालों।